गुजरते हैं महे रमजान में जो इम्तहानों से खजाने खूब पाते हैं वो कुदरत के खजानों से खिलाते हैं जो करते हैं वो इफ्तारियां जन्नत के खानों से। बड़ी दिलचस्प दो बच्चों के रोजों की कहानी है। बड़ी दिलचस्प दो बच्चों के रोजों की कहानी है। बड़ी दिलचस्प दो बच्चों के रोजों की कहानी है। सुनो आतिफ ये रमजान के फजाइल की निशानी है। सुनो आतिफ ये रमजान के फजाइल की निशानी है। सुनो आतिफ ये रमजान के फजाइल की निशानी है। बड़ी दिलचस्प दो बच्चों के रोजों की कहानी है। बड़ी दिलचस्प दो बच्चों के रोजों की कहानी है। बड़ी दिलचस्प दो बच्चों के रोजों की कहानी है। लकड़हारा था एक रहता था जो छोटी सी बस्ती में गुजारा करता था अपना निहायत तंग दस्ती में। थी उसके एक बीवी और दो मासूम बच्चे थे सभी अपराध घर के बामल मोमिन से सच्चे थे। मियां बीवी थे दोनों नौजवानी की बहारों में मगन रहते थे अपने नन्ही मुन्ने चांद तारों में। बड़े ही नाद से बच्चों को अपने पालती थी वो जो है इस्लाम के कानून उनमें ढालती थी वो। सबक सरकार के पैगाम का हर आन देती थी वुजू करवा के पढ़ने के लिए कुरान देती थी। किया करते थे उनकी परवरिश दोनों सलीके से सिखाते थे उन्हें अच्छे अमल अच्छे तरीके से। इधर पाबंदियों से अपने दोनों सरफराजों को आजा होते ही ले जाते थे मस्जिद में नमाजों को। मुअज्जिन जब सहर के वक्त अजाने फज्र देते थे बाप माँ बच्चों के माथे चूम लेते थे। बड़े ही प्यार से कहते थे अब बेदार हो जाओ नमाज़े फज्र पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। वुज़ू करवा के माँ फिर सौंपती थी उनके वालिद को। पकड़ कर उंगलियां बच्चों की अब ले जाओ मस्जिद को। पकड़ कर उंगलियां बच्चों की अब ले जाओ मस्जिद को।
पकड़कर उंगलियां मस्जिद की जानिब बाप जाते थे। वो बच्चे गीत सल्लल्ला के पैगम गाते जाते थे। अदाओ नाज से जाते थे तीनों छाई मस्ती की। खुदा को प्यार उन पर आता था, रहमत बरसती थी। नमाज़े फजर पढ़कर बाप बेटे जब के घर आते तो घर में खुशनुमा चारों तरफ मंजर बिखर जाते। उठा लेती थी उनको गोद में माँ, आता प्यार उन पर लगा लेती थी। सीने से हुआ करती निसार उन पर, अदब से फिर बिठाती दीन की बातें सिखाने को। उठा कर लाती थी कुरान बच्चों के पढ़ाने को। पढ़ाती थी बड़े ही नाद से कुरान बच्चों को। सिखाती थी अजब अंदाज से कुरान बच्चों को। फरिश्ते देखने को खुशनुमा मंजर ये आते थे। लबों को चूमते थे और दुआएं देके जाते थे। पढ़ा देती थी जब कुरान में अपने दुलारों को। वालिद साथ में लेते थे दोनों चांद तारों को। कुल्हाड़ी रखते कांधे पर लगाते साथ बच्चों को। वनों में जाते लकड़ी काटने ले लेके दोनों को। किया करती थी रुखसत घर से माँ हाफिज खुदा कहकर। बिदर के साथ जाते बच्चे माँ को अलविदा कहकर। बिदर के साथ जाते बच्चे माँ को अलविदा कहकर। बिदर के साथ जाते बच्चे माँ को अलविदा कहकर। बिदर के साथ जाते बच्चे माँ को अलविदा कहकर। कर जंगलों में काटते थे लकड़ियां वालिद। किया करते थे यकजा मेहनतों से लकड़ियां वालिद। बड़ी मेहनत का था ये काम, तन मन काँप जाते थे। चलाना पड़ती थी कुल्हाड़ी दिन भर हाँप जाते थे। कोई मौसम हो कोई वक्त हो उनको ये करना था के सूखी लकड़ियों को बेच कर पेट अपना भरना था। अगर होता था मौसम गर्मियों का गश से आते थे। चटकती धूप में अक्सर पसीने में नहाते थे। पिसर जब देखते थे बाप को यूं मेहनतें करते तो दोनों भाई वो देते सहारे खिदमतें करते। लाया करते थे वालिद को पानी बार बार आकर। बंधाया करते थे हिम्मत दिया करते करार आकर। इकट्ठी लकड़ियां करते थे वो भी दौड़ कर दोनों। कसा करते थे मेहनत और मशक्कत पर कमर दोनों। वो दोनों भाई छोटी छोटी लकड़ी बीन लाते थे। गठरी लकड़ियों की ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते थे। हुआ करती थी गठरी शाम तक जितनी वो लाते थे। जो था बाजार बस्ती का वहां पर बेच से आते। रकम जो मिलती खाने पीने का सामान लाते थे। रकम जो मिलती खाने पीने का सामान लाते थे। रकम जो मिलती खाने पीने का सामान लाते थे। यही मामूल था उनका वो यूं ही दिन बिताते थे। यही मामूल था उनका वो यूं ही दिन बिताते थे। यही
जंगल बाप बेटे जब की मेहनत को, तो माँ घर बंद करके रोज जाती थी मशक्कत को। मोहल्ले भर में जो अफराध थे ऊंचे घरों वाले, घरों में काम काज उनके किया करती थी जा जाके। बड़ी मेहनत से कपड़े धोती बर्तन मांजती थी वो, किया करती थी घर भर की सफाई और धुलाई वो। सुबह से शाम तक यूं ही कसे रहती कमर अपनी, ये औरों की ही खिदमत पर किया करती गुजर अपनी। थकी हारी बवक्ते शाम जब वो लौटती थी घर, किया करती थी खिदमत शौहरों बच्चों की फिर आकर। यूं ही हर दिन मियां और बीवी बच्चे मेहनत करते, हुआ करता था घर का खर्च पूरा तब कहीं जाके। गरज उनका गुजारा हो रहा था तंग दस्ती में, मगर वो मस्त रहते थे हमेशा पाका मस्ती में। खुदा का शुक्र अदा करते चला करते उसूलों पर, निछावर रहते थे माँ बाप नन्हे मुन्ने फूलों पर। हुआ एक साल यूं आया महीना रहमतों वाला, जिसे कहते हैं रमजान मुबारक बरकतों वाला। लकड़हारे के घर वालों ने ये मुजदा, तो उन सब अहले खाना ने भी देखा चांद का जलवा। मियां बीवी हुए मसरूफ दोनों ही दुआओं में, भराए अश्क आंखों में असर था इल्तिजाओं में। जो देखा इस तरह माँ बाप को मगमूम बच्चों ने, तो होकर फिक्रमंद उनसे कहा मासूम बच्चों ने। समझ में कुछ नहीं आता भला क्यों बेकरारी है, बताओ प्यारे अबू अम्मी क्यों ये अश्कबारी है। कहा माँ बाप ने बच्चों को अपनी गोद में लेकर, वो देखो आसमां पर चांद है रमजान का जलवागर। ये ऐसा चांद है सबकी दुआएं पूरी करता है, महीना लाता है रमजान का रहमत लुटाता है। सुनिए बात जब माँ बाप से मासूम बच्चों ने, तो मांगी हाथ उठाकर फिर दुआएं नेक सच्चों ने। कहा फिर कल से अम्मी अब्बू तुम भी रोजे रखोगे, फजले हकुमत इफ्तारी और सहरी के चखोगे। उमंगे दिल में उठती है तुम्हारे साथ में हम भी, रखे रोजे महे रमजान के पाए बरकते हम भी। कहा माँ बाप ने तुम भूखे प्यासे रह न पाओगे, छोटे हो तुम रोजे की शिद्दत सह न पाओगे। अभी छोटे हो तुम रोजे की शिद्दत सह न पाओगे, अभी छोटे हो तुम।
मोहब्बत से उन्हें समझाया तो चुप हो गए बच्चे। महे रमजान की सुन सुन के बातें सो गए बच्चे। हुआ जब वक्त सहरी का उठे तब वालदैन उनके, मगर सोते रहे कम उम्र दोनों नूरे हैं उनके। बड़ी खामोशियों से इंतजामी सहरी करते थे, न उठ जाए कहीं बच्चा कोई माँ बाप डरते थे। हुए मसरूफ खाने में खुशी थी खूब दोनों को, खबर सहरी की लग पाई न भोले भाले बच्चों को। अभी कर ही रहे थे सहरी वो आहिस्ता आहिस्ता, न जाने उठ गया किस तरह से उनका बड़ा बेटा। पुकारा अम्मी अबू को, जगाया क्यों नहीं मुझको, खिलाने के लिए सहरी उठाया क्यों नहीं मुझको। कहा माँ बाप ने बेटा न जब रोजे रखोगे तुम, हमारे साथ सहरी खा के आखिर क्या करोगे तुम। पिसर बोला रखूंगा मैं भी रोजा जब रखोगे तुम, बिला सहरी इसरार जब ज्यादा तो बोले बाप माँ बेटा। चलो सहरी करो तुम साथ में रख लेना कल रोजा, मगर वादा करो तुम छोटे भाई से न बोलोगे, मगर वादा करो तुम छोटे भाई से न बोलोगे, मगर वादा करो तुम छोटे भाई से न बोलोगे कि अपने सहरी खाने का नहीं कुछ राज खोलोगे, अपने सहरी खाने का नहीं कुछ राज खोलोगे, अपने सहरी खाने का नहीं कुछ राज खोलोगे, अपने सहरी खाने का नहीं कुछ राज खोलोगे। अगर महसूस उसको हो गया गुस्सा दिखाएगा, खफा हो जाएगा हमसे बहुत आंसू बहाएगा। अभी हम ये नहीं चाहते रखे वो इस बरस रोजा, नहीं है ताब अभी रोजे कि उसमें है बहुत छोटा। किया माँ बाप से वादा पिसर नीराज रखूंगा, किसी सूरत भी भाई को खबर लगने नहीं दूंगा। फर्ज रखा बड़े बेटे ने रोजा साथ में उनके, जो निकला दिन तो जंगल खो गए सब बाप और बेटे। हुए मसरूफ लकड़ी काटने में बाप बेचारे, इकट्ठी छोटी छोटी लकड़ियां करने लगे बेटे। हुआ जब दोपहर का वक्त सूरज तेज पर आया, सताया धूप ने बच्चों पे गलबा प्यास का छाया। गए एक पेड़ के नीचे पिसर ठंडी हवा लेने, पिया छोटे ने पानी फिर बड़े को वो लगा देने। कहा उससे बड़े भाई ने रहने दो मेरे जानी, नहीं है छोटे भाई ने तो उसका जहन चकराया, ताजुब में पड़ा बोला समझ में कुछ नहीं आया। सुबह से पी चुका अब तक मैं भैया बारहा पानी, सुबह से पी चुका अब तक मैं भैया बारहा पानी, सुबह से पी चुका अब तक मैं भैया बारहा पानी, मगर पीते नहीं देखा तुम्हें पानी, मगर पीते नहीं देखा तुम्हें तू भी दबा पानी, मगर
तबीयत में खराबी है, सुबह से सुस्त हो पजमुस्ता क्यों चेहरा गुलाबी है। कहा उसने न बीमारी न भूख को प्यास है मुझको, मेरी जान बस थकन का इस घड़ी एहसास है मुझको। मेरा जी चाहता है इस घड़ी आराम करने को, करो आराम तुम भी मुझको भी आराम करने दो। गरज उसने छुपाई असलियत झूठी तसल्ली दी, मगर छुपती भला कैसे तबीयत खस्ता होती थी। भला जब दिन हुई उस दम तबीयत सी खराब उसकी, हकीकत आखिरश हो कर रही सब बेनकाब उसकी। कारा बाप को बाबा बचाओ मेरी जान निकली, मुझे लगने लगा रोजा के अब मुंह से जुबान निकली। उठाया गोद में वालिद ने उसको दौड़ कर फौरन, ले आए साथ अपने दोनों बच्चों को घर फौरन। उसे समझाया माँ और बाप ने तू तोड़ दे रोजा, वो बोला बड़ी मुश्किल से आया हाथ उनके वक्त मगरिब का, लगी जिस दम अजाने खोला अहले खाना ने रोजा। हुए हालात दम अच्छे खबर ली छोटे बेटे की, हुए हालात दम अच्छे खबर ली छोटे बेटे की, हुए हालात दम अच्छे खबर ली छोटे बेटे की। वो था नारा समझते हो बराबर का करो वादा, के खाओगे मुझे सहरी मेरा रखवाओगे रोजा। किया जब बार बार इसरार छोटे बेटे ने ज्यादा, यकीन उसको दिलाया बाप माने कर लिया वादा। के दोनों भाइयों को आज हम सहरी खिलाएंगे, रखोगे दोनों रोजे साथ इफ्तारी कराएंगे। खरस माँ बाप ने सहरी खिलाई दोनों बच्चों को, के नियत रोजा रखने की कराई दोनों बच्चों को। रखा दोनों ने रोजा दोनों भाई पाए मकसद थे, खुदा का शुक्र करते थे खुशी में मस्त बेहद थे। रखे हैं कम सिनों ने रोजे इनको हिम्मत दे दे, रखे हैं कम सिनों ने रोजे इनको हिम्मत दे दे, रखे हैं कम सिनों ने रोजे।
मकबूल रोजा दारों की अल्लाह ने फरमाई, लगा रोजा मगर रोजा खुशाई की घड़ी आई। सभी ने साथ साथ इफ्तार की बिस्मिल्ला पढ़ पढ़ कर लिए इफ्तार के सब जायके, बच्चों ने बढ़ चढ़ कर बिठा कर फिर उन्हीं माँ बाप ने की उनकी दिल जोई, हुए तुम दोनों के रोजे रखेगा अब नहीं कोई। पढ़ू पर फर्ज है तुम पर नहीं ये फर्ज सभी बच्चों, जबा हो जाओ तो रोजे रखा करना सभी बच्चों। सुनी माँ बाप की बच्चों ने बातें इस तरह बोले, बड़ा ही लुत्फ आया आज हमने रोजे जब खोले, खुदा की रहमतों ने हमको माला माल फरमाया, हुआ कुछ भी नहीं हमको हमें खुशहाल फरमाया। न घबराओ हमें रखने तो सब रमजान के रोजे, हमें कुछ भी नहीं होगा है ऐसी शान के रोजे। मना माँ बाप ने फरमाया लेकिन वो नहीं माने, रखे साथ अपने माँ और बाप के बच्चों ने भी रोजे। खुदा ने हिम्मत बख्शी मुसलसल रोजे रखने की, उन्हें तौफीक दी इफ्तारी ओ सहरी के चखने की। लिया फिर हो जाए सभी को मर्तबा मालूम बच्चों का, हो जाए सभी को मर्तबा मालूम बच्चों का, हो जाए सभी को मर्तबा मालूम बच्चों का, हो जाए सभी को मर्तबा मालूम बच्चों का। अचानक जिंदगी होने लगी बेजार बच्चों की, घरों में काम करने के लिए फिर वो न जा पाई। लकड़हारे ने बच्चों से कहा मुश्किल घड़ी आई, कई दिन तक दवा खिलवाई शौहर ने तबीबों की, मगर अच्छी नहीं हो पाई मामा सूर बच्चों की। जो पैसे पास में थे खत्म एक दिन हो गए सारे, लकड़हारे को दिन में अब नजर आने लगे तारे। कहा मजबूर होकर लाडलो बेबस हुआ मैं तो, के लकड़ी काटने के वास्ते जंगल चला मैं तो। नहीं ये वक्त जाने का तुम्हारी माँ है चक्कर में, मगर मैं क्या करूँ सामान खाने का नहीं घर में। अगर मैं आज लकड़ी काटने जंगल ना जाऊंगा, कहाँ से सहरियों अवतार का सामान लाऊंगा। मैं जाता हूँ मगर मैं छोड़ जाता हूँ तुम्हें बच्चों, ना हो तकलीफ माँ को करना इसकी खिदमत ये बच्चों। ये कहकर बाप तो जंगल गया, घर रह गए बच्चे, लगे खिदमत में माँ की दिल जोई करने लगे बच्चे। दबाए हाथ पाँव सारा दिन सर माँ का सहलाया, दबाए हाथ पाँव सारा दिन सर माँ का सहलाया, दबाए हाथ पाँव सारा दिन सर माँ का सहलाया। हुए रोजे से खुद बेकल मगर दिल माँ का बहलाया, हुए रोजे से खुद बेकल मगर दिल माँ का बहलाया, हुए
ले गमगीन, देखो बाप कब आए हमारे वास्ते सामान जो इफ्तार का लाए। चुमा बच्चों को अपने देखती बढ़ती थी बेजारी, छुपा सूरज तो क्या होगा, नहीं है घर में इफ्तारी। लगी थी सबकी दरवाजे पे आंखें बाप जल्दाए, अजा होने ना पाए और दस्तरखान बिछ जाए। यकायक इतने में बच्चों ने देखा बाप आते हैं, मगर है हाथ खाली, खाने का सामान लाते हैं। तड़प कर बोले बच्चे खैर तो है प्यारे बाबा जान, भला क्यों आज तुम लाए नहीं इफ्तार का सामान। न मिल पाई तुम्हें क्या आज सूखी लकड़ियां बन में, बताओ आ गई क्या सामने मजबूरियां बन में। सुनी फरियाद बच्चों की, उन्हीं वालिद ने समझाया के बच्चों सब्र से लो काम, वक्ते इम्तहां आया। हुआ यूं इम्तहां बाजारों में खाना खरीदा जब, तो आया एक साइल और कहा रो रो के किस्सा सब। कई दिन से हूँ भूखा, आज अगर खाना ना खाऊंगा, यकीन कीजिए मेरे भाई मैं जिंदा रह ना पाऊंगा। खुदा को मुझ पे आएगा, उसे खाना दिया मैंने, खुदा मुझको खिलाएगा। उतरना है हमें साबित कदम इस आन में बच्चों, मिलेंगी दो जहां की नेमतें रमजान में बच्चों। चलो घरों में ही ढूंढे अपने कुछ इफ्तार करने को, के हो सकता है मिल जाए कहीं कुछ पेट भरने को। तलाशे घर के बर्तन जब उन्होंने गौर से सारे, मिले एक छोटे से बर्तन में उनको चार छुआरे। हुआ जब वक्त मगरिब का तो करके शुक्र यजदानी, सभी ने एक एक छुआरा खा कर पी लिया पानी। तसल्ली बच्चों को माँ बाप ने दी, गम नहीं करना के भूखे आज सो जाओ मगर कल पेट तुम भरना। मगर एहसान ये करना के रोजा कल ना रख लेना, नहीं खाना तो क्या दिन पानी पी पी कर बिता देना। बिला सहरी का रोजा रखने की ताकत नहीं तुम्हें, और अब भूखे प्यासे रहने की हिम्मत नहीं तुम्हें। तड़प कर बोले बच्चे बाप बाबा ये ना मानेंगे, रखेंगे रोजा कल हर हाल में रोजा ना छोड़ेंगे। भरोसा है हमें उस पर रखेंगे रोजा हम किसका।
रहे साबित कदम अच्छा अमल छोड़ा ना सच्चूनी कई वालिद दोनों बच्चों के जंगल काटने लकड़ी हुए बेहाल बच्चे जब के तेजी धूप ने पकड़ी गजब सूरज ने ढाया दोपहर में कहर बरसाया गशी सी छाई बच्चों पर अंधेरा सा नजर आया बड़ी कमजोरियां ऐसी के रो आखिर गए तू खड़े होने की कोशिश की तो वो गिर गिर गए तू बमुश्किल दोपहर गुजरा घड़ी फिर शाम की आई गिरे बच्चे जमी पर इस तरह जैसे अजल पाई ये मंदर देख कर बीमार माँ चिल्ला पड़ी बच्चों अगर कुछ हो गया तुमको तो मैं मर जाऊंगी बच्चों बहुत कमजोर थी माँ लंबे अरसे से थी बीमारी के हरदम चार पाई पर पड़ी रहती थी बेचारी नहीं थी ताब उठने बैठने की गम की मारी ने मगर ये देख कर मंजर उठी माँ बेकरारी लगाया दौड़ कर सीने से बच्चों होश मत खोना मैं जिंदा रह ना पाऊंगी जुदा मुझसे नहीं होना पुकारी अपने शोहर को कहां हो जल्द आ जाओ पुकारी अपने शोहर को कहां हो जल्द आ जाओ पुकारी अपने शोहर को कहां हो जल्द आ जाओ मरे जाते हैं बच्चे खाने को कुछ लाओ मरे जाते हैं बच्चे भूख से खाने को कुछ लाओ मरे जाते हैं बच्चे भूख से खाने को कुछ लाओ मरे जाते हैं बच्चे भूख से खाने को कुछ लाओ यकायक आ गया इतनी में उसका दौड़ता शौहर बहुत खुश खुश था खूब इफ्तार का सामान था उस पर हुआ दाखिल जो घर में देख कर बच्चों को घबराया छिड़क कर पानी मुंह पे लाडुलों को होश में लाया जब आए होश में बच्चे तो बोला बाप खुश होकर अज़ा होने ही वाली है सबाओ हाथ धो धोकर लगाया खाना दस्तरखान पर सब बैठे खाने को फरिश्ता फिर खुदा ने भेजा उनके आसमाने को सदा दी एक सवाली ने है मुझ पर मौत का आलम नहीं मुझको मिला खाना तो मैं मर जाऊंगा इस दम कहा उससे लकड़हारे में मेरी है ये मजबूरी के इस दम कर ना पाऊंगा तुम्हारी मांग में पूरी मैं खुद मुश्किल में हूँ दो दिन से सब घर वाले भूखे हैं मैं असर आज खाना आया है खाने को बैठे हैं मियां बीवी फकत हम होते खाली पेट रह लेते
सजा की राह हमें पापों के सदमे और सह लेते, मगर हम क्या करें मजबूर हैं मासूम बच्चों से। नहीं आए यकी तो कर लो खुद मासूम बच्चों से। बे मौत है ये इन पे डालो खुद नजर भाई, हरी बे मौत है ये इन पे डालो खुद नजर भाई, हरी बे मौत है ये इन पे डालो खुद नजर भाई, हरी बे मौत है ये इन पे डालो खुद नजर भाई। सवाली बोला फिर मैं कर रहा हूँ तुमसे ये वादा, अगर दोगे मुझे देगा खुदा इससे कहीं ज्यादा। खड़ी है इम्तहान की ये जरा साबित कदम रखिए, खुदा की राह में है क्या कमी दिल में ना गम रखिए। अगर तुम सच्चे रोजादार हो खाना दो खाने को, सबक सबरों का नात का सिखा दो सब जमाने को। ये सुनकर बात घर वालों के दिल ने जोश यूं मारा, जो खाना सामने रखा था उसको दे दिया सारा। हुआ गायब वो साइल खाना लेके भूखे प्यासों का, के तकते रह गए माँ बाप फिर अपने प्यारों का। करते थे हिम्मत बच्चों को इस्लाम में दे दे, महे रमजान का सदका हमें रमजान में दे दे। दुआएं कर रहे थे वो अभी मौला से रो रो कर, के इतने में ताजुब खेज सुने आया नजर मंजर। जो मंगता ले गया था मांग कर उनसे अभी खाना, वो ही आया दस्तरखान हाथों पर और एक कपड़े की थैली है। मुबारकबादियों का ये लबों पर नगमा जारी है। बखूबी गुजर तुम रोजादारों इम्तहानों से, बखूबी गुजर तुम रोजादारों इम्तहानों से। नवाजा बड़ा सख्त इम्तहान था ये मुसीबत की घड़ी थी, खुदा ने आजमाया था तुम्हें मुश्किल पड़ी थी। फसले हक मिली है कामयाबी बिल यकी तुमको, खुदा की राह में जानू की भी परवाह नहीं तुमको। खुदा का मैं फरिश्ता हूँ उसी का भेजा आता हूँ, के मैं ही इम्तहान कल से तुम्हारा लेके जाता हूँ। जिसे खाना दिया था तुमने कल मैं हूँ वही साइल,
सारे इम्तहान को आया बनकर आज भी साईं। खुदा राजी हुआ तुमसे, तुम्हें नजराने लाया हूँ मैं लेकर जन्नती खानों का दस्तरखान आया हूँ। जाई है ये रब ने थैली जिसमें मोती बेहतर हैं, तुम्हें कर देंगे माला माल वो लालो जवाहर हैं। रहे हक में लुटाओगे हमेशा तुम अगर दौलत, ये इतने कीमती है कम न होगी उम्र भर दौलत। फरिश्ता देखे ये नजराने गायब हो गया एकदम, खुशी में चूर सारा घर हुआ था वजद का आलम। खुदा का शुक्र कर कर के सभी ने फिर की अफतारी, गिरे सजदों में अहले खाना बरसी रहमते बारी। दानी दी मा